गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये लेसन कर रहे हैं हम लोग 20 कम्युनिकेशन पेज नंबर 107 पे। कम्युनिकेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज टर्म एज कम्युनिकेशन। द मीन्स वी यूज फॉर द कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन है, टेलीविजन है, रेडियो, लेटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशंस में भी मोबाइल फ़ोन। आज हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन, पेज नंबर 108 मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, पहले इसको समझो। मास कम्युनिकेशन से हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही समय में एक कोई भी खबर पहुँचा सकते हैं। जो भी हमको न्यूज़ देनी है वो एक ही समय में बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं। किसके थ्रू? रेडियो के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स, इन सब के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, दो मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया मैसेजेस कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन एंड बुक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है बच्चों? रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं। द फर्स्ट प्रॉपर रेडियो सेट डेट सेंड मैसेजेस यूजिंग रेडियो वेव्स वॉज बिल्ट बाय मार्कोनी। सबसे पहले रेडियो किसने इन्वेंट किया था बच्चों? उनका नाम था मार्कोनी। द रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। सारे जो इसके जो प्रोग्राम्स होते थे वो सब क्या होते थे? इंडियन लैंग्वेजेस में होते थे, भारत की भाषाओं में होते थे। जो कई मराठी है, बंगला है, हिंदी है, इन सब चीज़ों में लैंग्वेजेस में होते थे। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न सबसे पॉपुलर मास कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग टेलीविज़न वॉच करते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को एक साथ मैसेज करने के लिए सबसे पॉपुलर क्या है? टेलीविज़न। दो दिस मीडियम वी नॉट ओनली हियर एंड लेटेस्ट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स बट वी सी देम एज वेल एज। रेडियो में क्या होता है? सिर्फ हम न्यूज़ सुनते हैं। और टेलीविज़न में क्या होता है? हम न्यूज़ सुनने के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ, सी भी हो रहा है और उसको हम क्या कर रहे हैं? हियरिंग भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं एज वेल एंड। न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रीच एज दो द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। और भी वर्ल्ड की जितनी भी न्यूज़ हैं वो सब हमको कैसे मिलती है? न्यूज़पेपर में। जब हमारे यहाँ सुबह न्यूज़पेपर आता तो उसमें हमें हर जगह की न्यूज़ मिलती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मास कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो भी मास कम्युनिकेशन के लिए अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर यूज टू रिसीव एंड रिले ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स विच हेल्प अस टू टेलीकास्ट लाइव प्रोग्राम्स बाय एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो जो हमें रिसीव एंड रिले ऑडियो और वीडियो साइंस दे रहे हैं उससे हम कोई भी लाइव टेलीकास्ट अपना दिखा सकते हैं, वर्ल्ड का कोई भी लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इससे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मास कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने मास कम्युनिकेशन के बारे में देखा कि वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है। इससे हमारी दो हेल्पें हो जाती हैं बच्चों। मास कम्युनिकेशन से अगर हमें किसी को कोई न्यूज़ पहुँचानी है तो नंबर ऑफ़ पीपल्स को एक साथ एक ही समय में हम न्यूज़ पहुँचा सकते हैं। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू और बुक्स के थ्रू। इन सब चीज़ों के थ्रू हम उनको, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। ये रहा था हमारा मास कम्युनिकेशन। तो आज के इस चैप्टर में आपको आपका होमवर्क क्या है? आपको मास कम्युनिकेशन, कौन कौन से मास कम्युनिकेशन है उनके बारे में बताना है। जैसे आप बताओगे रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बुक्स आर सम एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। आपको एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिख के सेंड करने हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हम लोग इस लेसन में समरी, टिक द करेक्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन आपसे थिंक एंड ट्राई में पूछा गया है,
which means of mass communication is more suitable for illiterate person. Illiterate person वो person होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं. उन persons के लिए कौन सा mass communication सबसे अच्छा रहेगा, तो आपको ये बताना है. देखिए, newspaper से तो वो पढ़ नहीं सकते, magazine से भी नहीं पढ़ सकते, book से भी नहीं पढ़ सकते, radio और television से वो दोनों चीज़ों से समझ के, रेडियो से तो सुन सकते हैं, टेलीविज़न से पिक्चर्स को देख के समझ भी सकते हैं. तो आप मुझे बताओगे कौन सा न्यू मास कम्युनिकेशन इलिटरेट पर्सन के लिए सूटेबल रहेगा. नाउ गुड बाय स्टूडेंट्स.